कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और वही बात कि बेहतरीन तरीके से आप HSSC के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे और उसी HSSC की तैयारी के अंदर आपकी जो तैयारी है उसके अंदर और बेहतरीन प्रयास करने के लिए और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम आपके सामने हरियाणा का मेवात डिस्ट्रिक्ट करवाएंगे। मेवात डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितने भी पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, कहने का मतलब पूर्ण तरीके से मेवात डिस्ट्रिक्ट का वर्णन करेंगे। मेवात जिसको वर्तमान में नुहू के नाम से जानते हैं, मेवात जिसे पहले सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता था, सत्यमेवपुरम सत्यमेव जयते जो महात्मा गांधी का नारा था उसी से सत्यमेवपुरम बना था। और सत्यमेवपुरम जो है सत्यमेवपुरम, ये सत्यमेवपुरम का भी बताएंगे किसके शासनकाल के दौरान किसकी सरकार में ये मेवात इसका नाम हो गया और किसकी सरकार में इसका नू नाम हो गया। कहने का मतलब आज हम इस क्लास के अंदर मेवात डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो आज हम पढ़ेंगे वो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास में नुहू डिस्ट्रिक्ट। ये नुहू जो पहले किस नाम से जाना जाता था, मेवात, और मेवात जो पहले किस नाम से जाना जाता था, सत्यमेवपुरम के नाम से। मेवात जो है ये पहले किस नाम से जाना, सत्यमेवपुरम, आज किस नाम से जाना, पहले सत्यमेवपुरम के नाम से, फिर मेवात के नाम से, और आज किस नाम से जाना जाता है, नुहू के नाम से। सबसे पहला क्वेश्चन कि जब ये मेवात बना था उस समय हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार थी, तो आप बताएंगे चौटाला सरकार हुआ करती थी 4/4/2005 के अंदर। जब मेवात डिस्ट्रिक्ट बना या नुहू सत्यमेवपुरम डिस्ट्रिक्ट बना उस समय घटना है 4/4/2005 की, 4 अप्रैल 2005, और उस समय हुआ करती थी चौटाला सरकार जब ये बना था उस समय। तो ये याद रखिएगा, इनेलो की सरकार उस समय हुआ करती थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सभी पॉइंट याद रखने का। लेकिन क्या होता है कि उसके कुछ समय के बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आती है, और जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आती है सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर मेवात कर दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार के अंदर 2 अक्टूबर 2005 के अंदर इसका नाम बदलकर, 2 अक्टूबर 2005 के अंदर इसका नाम बदलकर मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो सत्यमेवपुरम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आप बताएंगे मेवात। और अब बीजेपी के शासनकाल में मेवात का नाम क्या हो गया भैया, तो आप बताएंगे नुहू। ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके पुराने नाम का जिक्र करें, नुहू का पुराना नाम क्या है, तो मेवात और सत्यपुरम, सत्यमेवपुरम है। और मेवात जिसका उपनाम पूछा जाए आपसे कि मेवात का उपनाम क्या है, मेवात के उपनाम का जिक्र किया जाए कि मेवात का उपनाम क्या है, तो आप बताएंगे पीर फकीरों की धरती, पीर फकीरों की धरती के नाम से, पीर फकीरों की धरती के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, तो आप बताएंगे पीर फकीरों की धरती के नाम से मेवात डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। उसके बाद में मेवात के क्षेत्रफल का जिक्र करें कि मेवात का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे मेवात का जो क्षेत्रफल है वो 1507 वर्ग किलोमीटर है, अत्यधिक पिछड़ा जिला है। याद रखिएगा, भारत हरियाणा में ही नहीं भारत में भी अत्यधिक मात्रा में पिछड़ा हुआ जिला है मेवात, जिसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। पुरुष साक्षरता में, महिला साक्षरता में, ओवरऑल साक्षरता में सबसे नीचे हरियाणा के कौन से जिले का स्थान है, तो आप बताएंगे मेवात का स्थान है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन ने, दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन ने 1246 में और 1260 में मेवातियों को कुचलने के लिए किसे भेजा था। दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था नसरुद्दीन, उसने 1246 में और 1260 में मेवातियों के विद्रोह को कुचलने के लिए किसे भेजा था, तो आप बताएंगे सेनापति बलबन को मेवातियों का विद्रोह कुचलने के लिए भेजा गया था 1246 और 1260 में, दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। बलबन ने मलका को गिरफ्तार कर लिया था, जो इनका विद्रोह वगैरह हुआ करता था उसका जो नेता था उनको गिरफ्तार कर लिया था, बलबन ने मलका को गिरफ्तार किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब होता है। खानवा का युद्ध आपने पढ़ा होगा बाबर के साथ, बाबर के टाइम पीरियड की बात है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 के अंदर, 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है। खानवा का जो युद्ध है ये 17 मार्च 1527 के अंदर होता है। ये खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य।
खानवा का जो युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ था, तो आप बताएंगे बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है खानवा का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा का साथ किसने दिया था, तो आप बताएंगे हसन खां मेवाती ने दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है। ये खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ हसन खां मेवाती देता है। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज व स्कूल कहाँ है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज व स्कूल कहाँ है, तो आप बताएंगे नल्लड़ में, और नल्लड़ कहाँ है तो आप बता देना मेवात में। शहीद हसन खां मेवाती स्कूल व कॉलेज नल्लड़ डिस्ट्रिक्ट मेवात के अंदर पढ़ते हैं। ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेवात से किसने किया था, वो व्यक्ति जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, मेवात से लड़ा था, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेवात से किसने किया था, तो आप बता देना सदरुद्दीन ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेवात से किसने किया था, तो आप बताएंगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेवात से किया था सदरुद्दीन ने। और पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे गफूर अली ने पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ताउडू रियासत, ताउडू रियासत जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत थी, हरियाणा की वह बड़ी रियासत जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, या क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो आप बताएंगे ताउडू रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाला जिला, हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाला जिला भी कौन सा है, तो आप बताएंगे नुहू मेवात सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाला जिला। हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है, नुहू मेवात के अंदर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देश का पहला कंट्री क्लब कहाँ बनाया गया, देश का पहला कंट्री क्लब जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे देश का पहला कंट्री क्लब नुहू मेवात के अंदर स्थापित किया गया। मोहम्मद यासीन खान जो मुस्लिमों के नेता थे, मोहम्मद यासीन खान के कहने पर महात्मा गांधी मेवात में कब आए थे, मोहम्मद यासीन खान के कहने पर महात्मा गांधी मेवात में कब आए थे, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी मोहम्मद यासीन खान के कहने पर कहां आए थे, तो आप बता देना मेवात में। महात्मा गांधी मेवात में कब आए थे, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1947 में आए थे। किसके कहने पर आए थे, मोहम्मद यासीन खान के कहने पर आए थे। और यहीं पर महात्मा गांधी ने पहली बार एक सत्यमेव पुरम शब्द का प्रयोग किया था। जब महात्मा गांधी मेवात में मुसलमानों से मिलने के लिए आए थे, मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के लिए आए थे, तो वहां पर उन्होंने सत्यमेव पुरम शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात जो अत्यधिक पिछड़ा इलाका है इसको उभारने के लिए मेवात विकास बोर्ड कब बनाया गया, तो आप बताएंगे मेवात विकास बोर्ड कब बना, या मेवात विकास बोर्ड कब बनाया गया, तो आप बता देना 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड बना था। मेवात विकास बोर्ड जिसका चेयरमैन कौन होता है, तो आप बताएंगे मेवात विकास बोर्ड जिसका चेयरमैन यदि पूछा जाए तो हरियाणा के अंदर जो भी CM रहेगा, हरियाणा के अंदर जो भी मुख्यमंत्री रहेगा वही मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन रहेगा। ये भी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि देश का पहला मोबाइल कोर्ट कहां खोला गया, तो आप बताएंगे मेवात के अंदर। देश का पहला मोबाइल कोर्ट कहां खोला गया, तो आप बताएंगे मेवात के अंदर। और देश का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात के अंदर कब खोला गया था, देश का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात में कब खोला गया था, तो आप बताएंगे 5 अगस्त 2007 के अंदर। 5 अगस्त 2007 के अंदर देश का पहला मोबाइल कोर्ट जिसे आप चल न्यायालय के नाम से जानते हैं, ये मोबाइल कोर्ट जो 5 अगस्त 2007 के अंदर खुला था, ये मोबाइल कोर्ट जब खुला उस समय मुख्य न्यायाधीश के जी बाल कृष्णन उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नरेगा, आपने नाम सुना होगा नरेगा का,
नरेगा, जिसे आप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते हैं। इस नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 के अंदर हुई थी, और जब 2 फरवरी 2006 के अंदर नरेगा की शुरुआत हुई तो इस समय हरियाणा के सिर्फ 2 जिले नरेगा के अंदर थे, जिसमें नाम आता है सिरसा और महेंद्रगढ़ का। लेकिन नरेगा के अगले चरण की शुरुआत होती है, नरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत होती है अप्रैल 2007 के अंदर। और जब नरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई अप्रैल 2007 के अंदर, जब नरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो उसमें अंबाला और मेवात को शामिल किया गया था नरेगा के दूसरे चरण में। जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत मेवात से कब हुई थी? जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत मेवात से कब हुई थी? तो आप बताएंगे, 1 जून 2011 से मेवात डिस्ट्रिक्ट से जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो मेवात है, इस मेवात के अंदर एक पांडवकालीन शिव मंदिर भी पड़ता है। पांडवकालीन मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि महाभारत कालीन नहीं, पांडवकालीन जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, क्या पता पांडवकालीन के नाम से ही वो प्रसिद्ध हो। आपसे पूछे कि पांडवकालीन जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, ये पांडवकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? तो पांडवकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता देना पलवल के अंदर पांडवकालीन शिव मंदिर पड़ता है। हरियाणा का वह सॉरी मेवात में भाई पलवल तो हम पढ़ी नहीं रहे मेवात है सॉरी भाई हरियाणा का वह डिस्ट्रिक्ट जहां पर पांडवकालीन प्रसिद्ध मेला जो मंदिर पड़ता है, मेला भी लगता है यहां पर, और किसका कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नुह मेवात के अंदर है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? मेवात का या नुह का वो शासक जिसने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देना मतलब एक तरीके से मौत को दावत देना है। मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देना मतलब मौत बुलाना है। मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती किस व्यक्ति ने दी थी, मेवात के किस शासक ने दी थी? तो मेवात के शासक जिसका नाम था हेमराज, और इस हेमराज ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी। मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देने वाला शासक हेमराज का संबंध कहाँ से है? हेमराज का संबंध यदि आपसे पूछे तो आप बता देना कहाँ से है, मेवात नुह से हेमराज का संबंध। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देना कोई आसान बात नहीं थी। मोहम्मद गोरी का गुलाम भी बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी, और मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देने वाला जो है हेमराज जो है, ये हेमराज कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था? तो आप बताएंगे मेवात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पर्सन है, प्रदेश के आखिरी छोर पर बसा कस्बा कौन सा है? कौन सा कस्बा है, या आपसे पूछे प्रदेश के आखिरी छोर के ऊपर बसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे नुह। और नुह के अंदर यदि आपसे पूछा जाए कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी दिशा के अंदर, प्रदेश की सबसे साउथर्न दिशा के अंदर, दक्षिणी दिशा के अंदर स्थित गाँव कौन सा है? तो आप बताएंगे फिरोजपुर झिरका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रावण का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? रावण का मेला आपसे पूछा जाए तो आप बता देना मेवात में। रावण का मेला लगता है मेवात में। और दशहरा का मेला आपसे पूछा जाए कि दशहरा का मेला कहाँ लगता है, तो आप बता देना फतेहाबाद में। दशहरा का मेला पूछे आपसे कि दशहरा का मेला कहाँ लगता है, फतेहाबाद में, और रावण का मेला है ये कहाँ लगता है, तो आप बता देना मेवात में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में मंजीरा नृत्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर विशेष रूप से किया जाता है, तो आप बताएंगे मेवात के अंदर मंजीरा नृत्य किया जाता है। उसके बाद में नाम आता है चंदेली झील और उजीणा झील कहाँ है, मेवात में। और इसी मेवात के अंदर एक और झील है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कोटला झील भी कहाँ है, मेवात में। चंदेली झील, उजीणा झील मेवात में, और कोटला झील भी कहाँ है, तो आप बताएंगे मेवात के अंदर ही कोटला झील पड़ती है। लेकिन ये जो कोटला झील है ये किसके कारण प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है ये कोटला झील, जिसका वर्णन बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा जो बाबर ने लिखी थी, उस बाबरनामा के अंदर हरियाणा की कौन सी झील का वर्णन मिलता है, तो आप बताएंगे कोटला झील मेवात का वर्णन मिलता है। उसके बाद में नाम आता है क्लासिक गोल्फ कोर्स ये कहाँ है, तो आप बता देना मेवात में।
झूलती हुई मीनारे कहाँ हैं तो आप बता देना, झूलती मीनारे भी कहाँ हैं तो आप बताएंगे मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम ट्रंप विलेज है वो कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो राज्य का प्रथम जो ट्रंप विलेज है ये मरोरा गांव है, मरोरा गांव, और मरोरा गांव मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। राज्य का प्रथम ट्रंप विलेज है, ट्रंप गांव है। हरियाणा राज्य में बाल विवाह में प्रथम जिला कौन सा है तो आप बताएंगे नूह बाल विवाह में प्रथम जिला है। उसके बाद में धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, का मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे नूह में। धातु एंड धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय नूह मेवात के अंदर पड़ता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे जिसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई थी। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1963 के अंदर ही हरियाणा में पहली कॉटन की मिल लगी थी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग द्वारा देश का सबसे पिछड़ा जिला किसे घोषित किया गया है तो आप बता देंगे देश का सबसे पिछड़ा जिला भी मेवात नूह को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज व स्कूल कहाँ है तो नल्लड़ गांव मेवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी पार्क और चूहीमल तालाब और काउंटी क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ है तो आप बताएंगे मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का परिवहन संग्रहालय, भारत सरकार का जो परिवहन म्यूजियम है, भारत सरकार का जो परिवहन संग्रहालय है वो कहाँ है तो आप बताएंगे मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत कौन सी है तो आप बताएंगे ताउडू रियासत, अंग्रेजों का सहयोग करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। ठीक है, याद रखे बहुत अच्छे तरीके से। जनसंख्या वृद्धि दर में दूसरा स्थान है मेवात का, जनसंख्या वृद्धि दर में याद रखें, जनसंख्या वृद्धि दर में प्रथम स्थान गुरुग्राम का, दूसरा मेवात का। उसके बाद में अरावली की सर्वाधिक पहाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप बता देना नूह मेवात में। एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है तो आप बता देना नूह के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी, जो भी जानकारी हमने दी है ये आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही, आपसे अनुरोध है, आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।